कैसे हैं आप सब। मैं हूं जाहिद खान और आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑल इन वन स्टडी हब में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रनिंग के पहले वार्म अप कैसे किया जाए, कितना किया जाए, प्लस रनिंग के बाद एक्सरसाइज प्लस स्ट्रेचिंग कैसे की जाए, और दो तीन आपको कुछ प्रिकॉशन भी बताऊँगा जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत से लोगों की ऐसी मानसिकता होती है कि सर रनिंग के पहले मुझे वार्म अप करने में बॉडी में पेन होता है। तो अगर आप ये वार्म अप और स्ट्रेचिंग प्लस एक्सरसाइज करेंगे तो आपको इस एक्सरसाइज से बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आपके पूरे मांसपेशियों में जो हाथ दर्द होता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपकी पूरी बॉडी जो पेन होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगा अगर आप मेरे बताए हुए स्ट्रेचिंग, वार्म अप और एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। तो चलिए आपको मैं इस वीडियो में दिखाता हूँ। रनिंग के पहले मैं आपको कुछ प्रिकॉशन बता देता हूँ जिसको आपको ध्यान देना बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारा पहला प्रिकॉशन क्या है, अगर आप रोड पर रनिंग कर रहे हो या इस तरीके से ग्राउंड पर रनिंग कर रहे हो तो आपको सबसे पहले लाइट शूज़ पहन ही कर रनिंग करना है, ठीक है। और दूसरा हमारे प्रिकॉशंस का तरीका ये है कि अगर आप रनिंग कर रहे हो तो विदाउट सपोर्टर आप रनिंग मत करो, क्योंकि विदाउट सपोर्टर अगर आप रनिंग करोगे तो आपको ये बहुत ही हार्मफुल हो जाएगा और इससे आपको हाइड्रोसिल भी हो सकता है। तो इसको आप बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हमारी रनिंग ख़त्म होने के बाद हमको किस तरह की वाटर पीना चाहिए, तो दोस्तों हमें हमारी रनिंग ख़त्म होने के बाद हमको ल्यूक वार्म वाटर का ही यूज़ करना चाहिए। मतलब हमको हल्का गुनगुना पानी ही इस्तेमाल करना चाहिए। क्या होता है दोस्तों, अगर हमारी रनिंग कंप्लीट होती है, रनिंग के फौरन बाद अगर हमने ठंडे पानी पी लिया तो हमारी बॉडी में पेन हो जाता है, जोर जोर में दर्द हो जाता है, जिससे हमारी मांसपेशियां भी जगह जगह की खींचने लग जाती है। तो आपको हल्का गुनगुना पानी ही यूज़ करना है, दो तीन घूंट। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको अपनी एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो हमारे रनिंग का सबसे पहला वार्म अप है जो हमें अपने पंजों पर खड़े होकर करना है, और इसका हमको 10 रिपीटेशन मारना है इस तरह। बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और बिल्कुल नॉर्मल में इस तरह करना है 10 रिपीटेशन। ओके, तो ये हमारे रनिंग का पहला वार्म अप था। अब हम चलते हैं अपने दूसरे वार्म अप की तरफ। तो हमारा रनिंग का दूसरा वार्म अप है तो हमको कुछ इस तरह से करना है। सबसे पहले अपने हाथों को ज़मीन पर रखना है और अपने फेस को ऊपर की तरफ उठाना है, और ध्यान ये रहे दोस्तों कि इसका भी हमको 10 रिपीटेशन मारना है, और ये दोनों घुटने हमारे पैर के अंदर रहने चाहिए। तो ये था हमारा दूसरा वार्म अप। हमारा तीसरा वार्म अप है इस तरह से, हमको पैरों को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और बिल्कुल सीधा खड़े रहना है। इसका भी हमको 10 रिपीटेशन मारना है इस तरह, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरह दूसरे पैरों को, तो ये था दोस्तों हमारा तीसरा वार्म अप। हम चलते हैं अपने चौथे वार्म अप की तरफ, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि रनिंग के पहले हमको धीरे धीरे हल्के हल्के वॉकिंग करना है, बिल्कुल तेज़ी से दौड़ना नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह देखिए, और अपने पंजों के ऊपर, बिल्कुल धीरे धीरे जैसे हम वॉक करते हैं उसी तरह से। तो इस तरह से हमको अपना चौथा वार्म अप कंप्लीट करना है दोस्तों। ये था हमारे वार्म अप का चौथा स्टेप। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसी वार्म अप के साथ अपने बॉडी को रिदम में रखना है। और अगर आप इस तरीके के ग्राउंड में दौड़ रहे हैं तो एक ग्राउंड होता है 400 मीटर का, तो 400 मीटर का आपको 3 रिपीटेशन मारना है। फर्स्ट मैंने इस तरह से मार के दिखाई, बिल्कुल हल्के स्लो स्लो मारना है आपको। इसी तरह से हमको अपनी 3 राउंड मीन्स 1200 मीटर की का ग्राउंड का राउंड ख़त्म करना है। हमारे चौथे वार्म अप के बाद हमारी रनिंग
ख़त्म होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि रनिंग के बाद स्ट्रेचिंग कैसे की जाती है, चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी रनिंग कंप्लीट होती है और रनिंग के बाद जो हमारा पहला स्ट्रेचिंग स्टेप है वो इस तरह है। पंजों के बल हमको इसके 10 से 15 रेपिटेशन मारना है इस तरह, जिससे हमारे रनिंग के बाद ज़्यादातर लोगों के काफ में पेन हो जाता है और मांसपेशियाँ बिल्कुल टाइट हो जाती हैं। तो अगर ये वाली आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको पेन या मांसपेशी बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, कहीं भी दर्द नहीं होगा बॉडी में। देखिए, इसके लिए मैं थोड़ा सा बगल से सपोर्ट ले लेता हूँ। तो आपको करना ये है कि आप पंजों के बल आपको इस तरह करना है, इसको 2 मिनट तक होल्ड करके रखना है इस तरह। तो दोस्तों, जो अभी मैंने आपको काफ की एक्सरसाइज बताई है या वो कर सकते हैं, या तो आप उसी तरह एक दूसरी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो कि इस तरह है। इस तरह से अपने हाथ को, आप अपने हाथ को स्ट्रेट करिए और अपने फीट के ऊपर 10 से 15 रेपिटेशन इसका मारिए, इससे आपके काफ में स्टैमिना पैदा होगा। ध्यान रहे कि ये एक्सरसाइज हमारे पंजों पर हो रही है, इसका असर इफेक्ट हमारा काफ पर पड़ रहा है इस तरह। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे एक्सरसाइज का पहला। तो फ्रेंड्स, वो था हमारा रनिंग के बाद का पहला स्टेज। अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये है दूसरा स्टेज, इस तरह से करेंगे। क्योंकि हमारी बॉडी रनिंग के बाद काफ़ी पेन हो जाता है, पूरे बॉडी में दर्द होती है, मसल्स में बिल्कुल खिंचाव सा पैदा हो जाता है, तो उसके लिए आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज आप कर सकते हैं कुछ इस तरह। इस तरह से आप अपने बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। तो हमारा स्टेज का दूसरा स्टेप ये है। बहुत से लोगों को रनिंग करने के बाद यहाँ इस तरह बहुत पेन हो जाता है, तो इसकी एक्सरसाइज आप इस तरह कर सकते हैं कि पैरों को, अपने लेफ्ट पैरों को आप सबसे पहले क्रॉस करिए। क्योंकि हमारे आर्मी का रूल है कि कोई भी एक्सरसाइज बताना होता है या कुछ भी काम करना होता है तो लेफ्ट पैर से शुरू की जाती है। तो देखिए, इस तरह पैरों को क्रॉस कर लीजिए और जितना हो सके नीचे आप बेंड होइए। पांच रिपीटेशन इस तरह, फिर 5 रिपीटेशन आपको अपना राइट पैर क्रॉस करना है और इस तरह। तो ये था हमारा दूसरा स्ट्रेच। और हमारा तीसरा स्ट्रेच है इस तरह। इसमें ध्यान ये रखना है कि अपनी नी को अपने पंजों के आगे बिल्कुल भी नहीं निकालना है। तो इसका भी हम 10 रिपीटेशन मार लेते हैं लेफ्ट पैर से। इसी तरह हम अपने राइट पैर का स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। नी को बिल्कुल भी नहीं बाहर निकालना है फीट के। इसका इफेक्ट हमारे जांघों पर आ रहा है, हल्की हल्की आपको दर्द महसूस होगी। अगर दर्द होने लग जाए तो समझ लीजिए कि आपका एक्सरसाइज अच्छे से हो रहा है। और फ्रेंड्स, ये हमारे रनिंग के बाद का चौथा स्टेप जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसका भी आपको 10 रिपीटेशन मारना है। बॉडी को बिल्कुल फुल स्ट्रेट कर लीजिए और इस तरह से। तो ये था हमारा स्ट्रेच का चौथा स्टेप। स्ट्रेच यहीं पर कम, चौथा स्टेप कंप्लीट करने के बाद स्ट्रेचिंग का हम एक दो एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, जो कि हमारी चेस्ट की एक्सरसाइज होगी, पुशअप्स की। ये भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर आर्मी के लिए, जॉब के लिए जाना है तो आपका वहाँ हमारे जवान सीने का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको करके दिखाऊंगा कि पुशअप्स को आपको कैसे करना है। और इस पुशअप्स में सबसे पहले सेट में आपको 20 रिपीटेशन मारना है, दूसरे में 15 और तीसरे में 10, इस तरह से। हाथों को बहुत दूर नहीं ले जाना है, बॉडी को फुल स्ट्रेट रखना है, कमर को अपने ऊपर रखना है और इस तरह करना है।
फेस ऊपर रहेगा, तो फ्रेंड पुशअप्स के बाद थोड़ी अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लेते हैं। इस तरह से बेंड होना है, ये करना है। इसके बाद आपको पैर को इतने फैला लेना है, क्योंकि अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपको रनिंग में जितना हो सके पैर को आपको खोलना है, इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये था हमारा रनिंग का पहला वार्म अप, उसके बाद स्ट्रेचिंग प्लस एक्सरसाइज, और कुछ आपको मैंने उसके बाद मैंने एक्सरसाइज के बाद आपको कुछ टिप्स दिए हैं जो कि बॉडी में बहुत रिलैक्स फील करते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो इसी तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा, और तब तक के लिए गुड बाय।